मानव मानव स्वभाव की बात करते हैं, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तेरी बात करते हैं मानव स्वभाव, मानव स्वभाव की बात करते हैं। तो हॉब्स ये मानता है, हॉब्स का मानव है वो एकांगी है, दूसरा तरह हॉब्स का मानव है वह स्वार्थी है, लालची है, आपका मानव स्वभाव स्वार्थी है, लालची है, दुष्ट है और अधिक से अधिक हॉब्स का जो मानव स्वभाव का वर्णन किया हॉब्स ने, हॉब्स का मानव बहुत ही स्वार्थी है, लालची है, दुष्ट है, अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसका जीवन एकांकी जीवन है, वो अकेला है, एकांकी जीवन है, वो जीवन एकांकी है, वो अकेला है, जीवन कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, एकांकी है, जीवन और संपत्ति सब कुछ निश्चित है, जीवन संपत्ति असुरक्षित है, असुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर मानव स्वभाव की जब हम बात करते हैं तो मानव स्वभाव का अंतर्गत ये मान सकते हैं हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और गृह युद्ध में उनके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष रखा, मनुष्य को स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित मानता है। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र मशीन है जिसका निर्माण उन प्रजाओं से हुआ है जो यांत्रिक नियमों के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का अलग रूप है, वह भी एक मशीन के समान है, उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांत में संचालित पुर्जों से हुआ है। हॉब्स का उद्देश्य उन नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। वास्तव में मानव प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही हॉब्स अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है। हॉब्स के अनुसार मानव संवेदनाओं सेंसेशन का जीव है, मनुष्य की विचार शक्ति भी संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। इंद्रियों के माध्यम से जब गति के केंद्र स्नायु उस स्थान में जाती है तो वह संवेदनाओं के रूप में प्रकट होती है और मस्तिष्क की इसी संवेदना को विचार कहा जाता है। हॉब्स के मतानुसार राज्य में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। यदि उसकी भावना के अनुकूल संयोग होता है तो अभिलाषा डिजायर कहलाता है, यदि प्रतिकूल होता है तो विरक्ति घृणा एवर्सन कहलाता है। इसी प्रकार उसे भौतिक शास्त्र के आधार पर यह परिणाम निकाला, अविष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए उनकी ओर गति करना या प्रवृत्त होना अभिलाषा है, अनिष्ट पदार्थों से हटने की ओर गति करना घृणा है, विरक्ति है। अतः हॉब्स के अनुसार मनुष्य में वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण पाया जाता है। वस्तुओं का आकर्षण उनकी इच्छा को जन्म देता है, किसी चीज़ के प्रति विकर्षण उसमें घृणा पैदा करता है। अतः मनुष्य के लिए किसी वस्तु का अच्छा या बुरा होना उसकी भावना है। मनुष्य की सुख दुख, आशा निराशा, भय, साहस, क्रोध आदि की सभी मनोभावनाओं, वासनाओं, अभिलाषा, विरक्ति के कारण होने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति का परिचय है। हॉब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दशा से निश्चित होता है। जिन वस्तुओं से
वह आकर्षित होता है, उन्हें अच्छी कहता है, जिन्हें वह नापसंद करता है उन्हें बुरी कहता है। अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव स्वभाव मानव भावना में है। हॉब्स के अनुसार आनंद प्राप्त करना चाहता है, हॉब्स के अनुसार मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है, समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना तथा वांछित वस्तुओं को पाने में सफलता प्राप्त करना ही आनंद है। जिन साधनों से अपनी इच्छा पूर्ण करते हुए आनंद प्राप्त किया जाता है उन साधनों को शक्ति कहता है। चूँकि मनुष्य के आनंद के आनंद अनंत हैं, इसलिए मनुष्य के जीवन में एक शक्ति की प्राप्ति के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा निरंतर बनी रहती है। हॉब्स का कहना है मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में सदा लगा रहता है, वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, वो अपने जीवन को निर्वाध और निर्द्वंद रूप से के चक्कर में रहता है। युगों से भूखा अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं की तुष्टि में ही सतत संलग्न रहता है। अवसर पाते ही वह सर्वग्राही प्रसाद की तरह फूट पड़ता है और स्वयं को जीवित रखने में और स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों को ध्वस्त करने में हिचकता नहीं है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति की इन सब मनुष्यों को समान बनाया है। यह संभव है कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, किंतु यह मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान और धूर्तता मकारी में उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हो सकता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है, उनमें प्रतिद्वंद्वता स्पर्धा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वह एक दूसरे को हराना नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते लाभ के लिए, अविश्वास के चलते रक्षा के लिए और वैभव प्राप्ति के लिए प्रसिद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं। इन तीनों कारणों से मनुष्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। प्रतिद्वंद्वता भय और कीर्ति उसे बढ़ाने का लालसा रहती है। प्रतिद्वंद्वता भय कीर्ति प्राप्त करने की आशंका सतत संघर्ष उत्पन्न करती है। जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं तो उसमें प्रतिद्वंद्वता शुरू हो जाती है। जब एक व्यक्ति एक आकांक्षा से व्यथित रहता है तो दूसरे की शक्ति उससे अधिक ना बढ़ जाए इसे भय आक्रांत रहता है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से निश्चित रूप से यह अच्छा भी स्वाभाविक है। अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें, वह अपने से बड़ा या ऊंचा समझें। अतः सब व्यक्तियों में एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा अविश्वास और कीर्ति की कामना निर्धारित होती है। यद्यपि मनुष्य शांति चाहता है किंतु वह सदैव दूसरों से भय लगता है। वह अपनी संपत्ति या अधिकार बढ़ाना चाहता है। वह अपने साथियों के साथ स्वास्थ्य संघर्ष में संलग्न रहता है। तो ये मानव स्वभाव की बात आई, जहाँ तक मानव स्वभाव स्वार्थी है, लालची है, निरंतर अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और वो कंटिन्यू एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस वार की स्थिति बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है। जो संघर्ष की स्थिति है या शक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा है उसके पीछे यह है, वो सम्मान कीर्ति प्राप्त करना चाहता है, कीर्ति प्राप्त करना चाहता है। भय लगता है उसको, भय लगता है और प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदता करता है, प्रतिस्पर्धा करता है और इसलिए व्यक्ति प्रतिद्वंदी शक्ति प्राप्त करना चाहता है। इस शक्ति के चक्कर में उसका जीवन एकांकी हो गया। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको एक कल मैंने आपको हॉब्स की बात की थी, प्राकृतिक अवस्था की बात की थी, आज प्राकृतिक कानून की बात की है, प्राकृतिक अधिकार की बात की है और आज मानव स्वभाव ह्यूमन नेचर की बात की है। आज हमने ह्यूमन नेचर की बात की है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो समझौते की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे कि समझौता किस तरह होता है, समझौते के क्या कारण हुए, समझौते में कौन कौन सी पार्टी हैं, समझौते की कौन कौन सी शर्तें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।